इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। एक बार फिर इस्तीफे की मांग की है वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, और साथ ही ये भी साफ कर दिया कि अगर इस्तीफा नहीं लिया गया, कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया गया, तो संसद का मानसून सत्र चलने नहीं देगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये तमाम बातें कही। परसों जब मानसून सेशन शुरू होगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में इसी से अपनी तकरीर आरंभ करेंगे कि उन्होंने ललित गेट में जो दोषी या जिन पर आरोप लगे हैं और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश जिन पे और जिनकी लीडरशिप में, जिनकी चीफ मिनिस्टरशिप में ये दर्जनों लोग मारे गए हैं विटनेसेस, और सैकड़ों लोग और हजारों लोगों को डिग्रियां इस तरीके से मिली हैं, ये उनके इस्तीफे अनाउंस करेंगे। और यदि भारतीय जनता पार्टी इन एक दो दिन में उन पर एक्शन लेती है तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट का चलना और आसान होगा, बिल पास करने और आसान होंगे। ये बीजेपी की लीडरशिप के लिए, बीजेपी के लिए भी, और उनकी जो छवि धूमल हो गई है इस एक दो महीने में, जो छवि मिट्टी में मिल गई है इस सवा साल के अंदर ही, वो उनकी छवि को दुरुस्त करने का भी उनको ये 24 घंटे, कल का दिन, आज का दिन, उनको एक अवसर प्राप्त होता है। तो जिस तरह की स्थिति बन रही है उसको देखकर ये साफ है कि आने वाला मानसून सत्र जबरदस्त हंगामेदार रहने वाला है।